तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत मैं जोश टॉक के मंच पे हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ जोश टॉक के मंच पे जाने के लिए। और वैसे आप लोग ये कहते हैं कि दीदी आप सारी बात मेरी जान लेती हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग सारी बातें जान जाते हैं। अभी मैंने कल बस हिंट किया था कि मैं कहाँ आई हूँ, दिल्ली आई हूँ और मेरा एक सपना पूरा होने वाला है, तो आप लोगों ने तुरंत गेस कर लिया कि आप जोश टॉक पे गई हैं। हाँ, ये सही बात है कि ये आप लोगों की देन है, मेहनत भी है मेरी। और एक समय था कि मैं सोचा करती थी काश मैं जा पाऊंगी कि नहीं, देखा करती थी लोगों को इंटरव्यू देते हुए, तो ये सोचा कि जोश टॉक पे पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं, चलो अपने से ही ये सारा काम करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो वो मैंने अपने चैनल के माध्यम से शुरू किया था, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिला और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं जोश टॉक पे जाऊंगी। कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताऊंगी जिसके माध्यम से आपको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत ही अलग है बाकी सबसे। बहुत सारी चीजों को मैंने देखा, सब कुछ होते हुए भी सब कुछ नहीं था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को आज मैं बताऊंगी। बस हौसला रखिएगा और आगे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए मैंने हमेशा से जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई तो वहां पे मैंने उसको उस चीज को अपना एक कहते ना कि ताकत बना लिया उसको। और ये जोश टॉक के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये कैसा मंच है। यहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया और वो लोग दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं उनके बातों से। अगर कोई इंसान आगे बढ़ सकता है तो ये जो जोश टॉक है ना, ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है, तो इसी लिए मुझे भी बुलाया गया था। और मेरे लिए जानते हैं क्या है कि यहाँ पे मैंने अपने उन लोगों को देखा है ना जिसको मैं अपना आदर्श मानती हूँ, उन लोगों को इस मंच पे खड़े होते देखा है। तो आज मैं अगर यहाँ पे खड़ी होके बोलूंगी तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि कम से कम नहीं कुछ मैं उस उतना तो अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकती, कहीं से नहीं कर सकती, मैं बहुत तुच्छ हूँ अभी। लेकिन मैं अगर वहां पे खड़ी होके जहाँ पे मेरे आदर्श जिनको मैं मानती हूँ वो वहां पे खड़े हुए, वहीं पे मैं भी खड़े होके अपने जीवन के बारे में कुछ बता सकूंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो सबसे पहले तो ईश्वर का कहते हैं ना कि एक वरदान है मेरे लिए, ईश्वर का हाथ हमेशा शुरू है मेरे ऊपर कि मैं अगर सोचती हूँ तो वो चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मेरा प्रयास ऐसा रहता है ना कि फिर मैं सब कुछ छोड़ के उसी चीज पर लग जाती हूँ। मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, आप लोगों का साथ है, सबका साथ है, उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तो देखिए, ये है जोश टॉक का ऑफिस, यहाँ पर बाहर ही लिखा हुआ है। हम जहाँ जोश यही लग रहा है ना कि कैसे क्या बताएंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, वहां पे बोलने में और यहाँ पे बोलने में अंतर तो है ही। ये तीन कैमरे हैं अपने पास, ठीक है, तो जब आप बात करेंगे तो उधर और इधर चेयर्स पे हम दोनों बैठे हुए। तो देखिए दोस्तों, आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनको मैं YouTube पर देखती थी और मेरा ये भी सपना था कि पूरा हो। तो देखिए आज मेरे कौन कौन सपने पूरे हो रहे हैं। ये है उस्मान सैफी, सफर के नाम से आपका चैनल ना, और भैया बहुत अच्छा बोलते हैं, इनका वही यही क्राइम रिपोर्ट एक तरह से इनकी रहती है खतरनाक चीजों पे, तो देखने में तो बहुत शांत बैठे हैं, खतरनाक चीजों को कवर। मैं ऐसे ही बिल्कुल शांत रहता हूं, एस्टोनिया भले ही चाहे कितनी खतरनाक हो, लेकिन मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और इनके चैनल जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक कमेंट भी करते रहिएगा। अब बताइए कि मतलब इनसे मिलकर मुझे यही लगा कि मेरे लिए कोई ऐसे वर्ड बोले मेरी बहुत बड़ी बात है। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए ना, कहीं भी आपको किस्मत आपको पहुंचा सकती है। किस्मत की बात तो बाद में करेंगे, आपकी मेहनत आपको पहुंचा सकती है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों की बदौलत और अपनी मेहनत की बदौलत मैं जोश टॉक के मंच पे हूँ। और आप लोगों से बस वही है कि अगर आप लोग मेरी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो जोश टॉक आशा जो महिलाओं के लिए होता है वहाँ पे मेरी स्टोरी जाएगी, पूरी स्टोरी जाएगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर, आप लोग को हौसला मिलेगा। मेहनत करते रहिए क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ना बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो बस मैंने जैसे अपना सपना पूरा किया, आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इनके जोश टॉक्स का ऑफिस है, बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम भी करते हैं और यहाँ पे इनके सिल्वर बटन्स और गोल्डन बटन सब लगे हुए हैं, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं और फिर मैं आप गोरखपुर के लिए चली जाऊँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।